It's hard to breathe, but that's alright. Hush. So hey guys, welcome back to the channel. यार तो कैसे हो तुम सब? हाँ, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा टाइम होगा वीडियो डाले हुए. हाँ, मैं नहीं बता सकता क्यों, पर अब क्यों है मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब से वीडियो रेगुलर बेसिस पे आएगी. अब वो रेगुलर बेसिस हर दूसरे दिन या डेली होता है वो बाद में डिसाइड करें अपन, बट रेगुलर बेसिस पे आएगी. कभी इतना लंबा ब्रेक नहीं जाएगा. ओके नाइस. तो जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, हम आज फिर से एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं. रीज़न बीइंग कि हमारी आर्क की कुछ इतनी सही जा नहीं रही है, पर बाकी अगर तुम्हें आर्क पसंद है तो कमेंट में बता देना यार. अब ठीक है थोड़ा, और तुम्हें देख के पता ही चल गया होगा कि सीरीज में क्या होने वाला है, क्या किए हुए ये. तो तुम्हें पहले बता देता हूँ, इस गेम का नाम है अपना ड्रैगन बॉल जी टीम ट्रेनिंग. तो ये बेसिकली पोकेमोन गेम्स का ड्रैगन बॉल जी हैक है, मतलब अपना जो पोकेमोन फायर रेड था उसके उसमें ही अपना ये वो है. इसमें डीबीजी करेक्टर्स मिलेंगे हमें, ये वो ही है. मतलब बेसिकली अपनी गेम है फायर रेड विद डीबीसी करेक्टर्स. तो ये मतलब काफ़ी अलग गेम है मेरे को लगा, तो मैं सोचा खेल लेते हैं यार, थोड़ा अलग तुम्हें पसंद आए. और बाकी क्या था, बस इतना ही था ना, तो कि सॉरी लेट हो गया हूँ. और हमारी जो 100 प्लस की स्ट्रीम होनी थी वो भी नहीं हो पाई है, और हम ऑलरेडी 125 क्रॉस कर चुके हैं. तो मैं सोच रहा हूँ 150 पे ही कर लेंगे एक स्ट्रीम डायरेक्ट ही. तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर देना अगर तक नहीं किया, तो हम क्योंकि हम 150 पे 150 स्पेशल स्क्रीम नहीं स्ट्रीम. तो अपन वो हैं, अपना जल्दी से नाम चूज करते हैं रचित. ओके सिलेक्ट रियली भाई मेरे को. ओके रचित वेरी गो ये भाई वे आई एम रचित. बाकी अपने ग्रैंड तो अच्छा, ये तो अपने पोते का जो है नाम ही भूल गए हैं. तो राइवल जी का नाम क्या होगा हमारा राइवल कौन होना चाहिए? यार क्या रख यार, लेट्स जस्ट गो विथ आई वुड से. अभी तो ऐसे किसी एक बंदे को मैंने देखा था जिससे खेला हुआ है गेम, पर वो इंडियन नहीं है, तो मैं ऑलमोस्ट फर्स्ट इंडियन ही हूँ जो ये गेम खेल रहा हूँ ऑनलाइन. मतलब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब वीडियो डाल रहा हूँ. खेला हो ना खेला हो मुझे क्या पता किससे खेला किससे नहीं. तो आई एम द फर्स्ट हिंदी यूट्यूबर और इंडियन यूट्यूबर टू प्ले दिस गेम. तो इससे मेरे को लगा तुम्हें पसंद आया, थोड़ा अलग है. वॉल्टसी एक यूट्यूबर का नाम है, हीरो वॉल्टसी करके, वो फॉरेन का मतलब इंग्लिश यूट्यूबर है अपना. उसने वो मोस्टली बहुत सारे रोमैक्स खेल चुका है, तो उसने भी ये भी खेला हुआ है. तो तुमने देखा ही होगा कि इसमें अभी ना एंटर से खुलता है, ये देखो पोशन का मतलब ओनीगिरी यानी राइस बॉल है. इसमें राइस बॉल है पोशन की जगह, विच इज़ प्रीटी ऑसम आई गेस. See mom. Right, all boys leave home someday. It's said on TV. Oh yes, Dr. B was looking for you. Okay mom, I am going and I will never return. तो जैसे फायर रेड एक देखो, अरे यार तुम्हें कुछ और दिखता. इसमें तुम घर देखो, बिल्कुल वो गोकू के घर जैसा घर है, जैसे गोकू की फैमिली का घर था. वो लोग विलेज में उनके विलेज तो नहीं कहूँगा, मतलब जहाँ पे वो अकेले रहते थे, पर लैब वैसी की नहीं सकते लैब की जगह इनको कैप्सूल कॉर्पोरेशन बना देनी चाहिए थी, मज़ा आ जाता. तो ये गेम बेसिकली उन लोगों के लिए जिनको डीबीसी और पोकेमोन दोनों पसंद है, मैं तो उनमें से हूँ. थोड़ा कोल्ड है मुझे, इसलिए बीच में थोड़ी स्नीजिंग और वो क्या कहते हैं हिंदी में सुट की आवाज़ आती रहेगी. बाकी अपना पका रहे हैं कि हमें को किसी को भी चूज़ कर सकते हो. वर्ड से बोल रहा है कि ना ना दादाजी ये फिर नास है, पर वो बोल रहे हैं फिर बोल रहे मेरे बारे में क्या बोलता है, रुक जा रहे दादा, बोल रहे रुक जा रहे पहले तू भी ले लियो, पहले इसको ले दे यार. तो अपन ले लेंगे अपना बिंदास गोकू, नहीं सेकेंड ऑप्शन क्या है गोहान. ओके वेजिटा, वो भाई टफ चॉइस, वेरी वेरी टफ चॉइस.
बट तुम लोग को क्या ही बनाना है यार, तुम थंबनेल देख के ही आए हो यार। आई चूज यू गोकू, डेफिनेटली गोकू ही चूज करेंगे भैया हम। निकनेम की जरूरत नहीं है क्योंकि दे ऑलरेडी हैव प्रीटी गुड नेम्स एंड ही विल गोना चूज वेजीटा। एग्जैक्टली आई नो इट, गोहान थोड़ी ना गोकू का वो बनेगा यार राइवल, वेजीटा डिजर्व्स इट। सॉरी गोहान, यू आर ओपी बट यू वर ओपी, सॉरी यू आर नॉट ओपी, यू वर ओपी इन योर टीन्स, यू आर नॉट ओपी एज अ एडल्ट। एडल्ट क्या बेचारे की फाइटिंग स्पिरिट ही गायब हो गई। विडेल को सिखाने गया था, सिखा भी किसको रहा है विडेल, रियली मैगी मैन। लड़की का चक्कर बाबू, लड़की का चक्कर। हाँ हाँ आ जा वेजीटा, ये क्या हो रहा है, अरे बीच में लैग सके। ओ फॉर पीटी सेक्स सो पुशी एज ऑलवेज, ओके अब ये पीटी कौन है मुझे बता। तुम कभी भी एक लड़ाई में नहीं गए, पोकेमोन की जो फाइटर्स है, क्योंकि इसमें पोकेमोन बोलते फाइटर्स बोलते हैं। जब दो ट्रेनर अपने फाइटर्स को लड़ाते हैं उसे फाइटर पेटल कहते हैं। ट्रेनर जो उसकी सामने वाले पोकेमोन या फाइटर की एल जीरो कर देता है वो जीत जाता है। बाकी सब हम एक्सपीरियंस से सीखेंगे जो कि हमें है। पावर अप प्रीटी गुड मूव आई वुड से, बट मैं तो अपना कहते हैं ना बच्चे टाइप खेलता हूँ, अटैकिंग मूव मारते रहो, डैमेज करना वो जरूरी होता है जीतने के लिए। कायोकेन करके देखते हैं, फायर टाइप मूव है। लेट्स सी ये क्या थे? अबे अपने को आग लगा ली क्या? ना 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 अच्छा अटैक बढ़ा लिया बंदे ने, और स्पीड भी कमाल है, मतलब यार सेंस बना रहे कायोकेन से, इसकी स्पीड और पावर इंटू हो जाती है जितना भी इंटू कायोकेन करता है ये। मैं बहुत बड़ा डिवीजन का ओपनर हूँ यार, तुम क्या जानो, मैं तुम्हें डिवीजन का भी ज्ञान बात करूँगा साथ ही साथ। तो बोर हो जाओ तो बता देना, ना ना हो तो अच्छी बात है, बोर हो जाओ तो 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 गेम देख लेना और क्या। बाकी वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना, क्योंकि यार मुझे लगता है कि ये काफ़ी यूनिक गेम है, क्योंकि इंडिया में अभी तक तो मैंने किसी इंडियन पॉकेट यूट्यूबर को नहीं देखा खेलते हुए, मैंने काफ़ी सर्च किया था। सो प्लीज 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 सपोर्ट दिस सीरीज, मेक इट अ ऑसम वन प्लीज, आई रियली रिक्वेस्ट यू। तो चलो अपन अब आते हैं धीरे धीरे ये अपनी रूट वन बैटल। वियर थीफ, वेल आई डोंट नो ना बैटल यू बड़ी बड़ी, सॉरी बड़ी आई डोंट नो ना बैटल यू, आई वांट बैटल यू। हेलो मैं काम करता हूँ स्टोर में, और ये हमारी कन्वीनियंट चेन है सेल करने के लिए, तो प्लीज़ हमें अरू विलेज में ज़रूर करना, ये लो तुम्हारे लिए, विजिट करना अरू विलेज में तुम्हारे लिए सैंपल पोर्शन का या फिर राइस बोल का। इसकी बैटल बड़ी गंदी म्यूजिक है, बैटल म्यूजिक लिटिल स्पोर्ट्स। जिन लोगों को नहीं पता बियर थीफ एक ड्रैगन बॉल का करेक्टर है, ड्रैगन बॉल सी का नहीं है, मैंने ड्रैगन बॉल में देखा है, अभी अभी मैंने दोबारा शुरू की थी ड्रैगन बॉल। ऐसा यार को छोटा सा बेचारा कमजोर सा, फिर भी सबको मारता पीटता है, आराम से अपना क्या करेगा, उसका कोई काम थोड़ी है। कसम से यार ये म्यूजिक सुन इतना टाइम हो गया था ना, फायर रेड खेले बहुत टाइम हो गया। अरे भाई मोस्टली रोम ना फायर रेड पे ही है, क्योंकि फायर रेड मतलब वन ऑफ द बेसिक गेम है अपने इनका पोकेमोन वालों का। सेकंड जनरेशन गेम है वो मेरे हिसाब से, तो थर्ड जनरेशन में आता है ऐसे क्यों पता नहीं, थर्ड में आता है ठीक है जी भी है रोम तो थर्ड जनरेशन, मुझे पता है मेरी बात है, आते को तो समझ में नहीं आ रही होगी, और आते तो भाई बाकी आते तो पोकेमोन के सुकून में चाहिए गया। इसको साइड फैक्ट तो ऐसे कोई काम नहीं है। बाकी मुझे इसमें मतलब अपने फाइटर्स की टाइप वगैरह नहीं पता, तो मैं फाइटर्स को अपने डीबीसी और डीबीएस और डीबी के बेसिस पे पकड़ने वाला हूँ कि मतलब मुझे कैसे लगे थे सीरीज में। तो प्लीज़ डोंट जज मी जिन्होंने ये गेम खेला हुआ है, नहीं खेला हुआ और तुम्हें नहीं पता कि डाउनलोड कैसे करते हैं टाइप, तो मुझे
कमेंट में बता देना, मैं इसकी ट्यूटोरियल वीडियो निकाल दूंगा। बाकी फिर बाकी नॉर्मल गेम्स की तरह ही डाउनलोड कर सकते, इजी है। बाकी बातें ना बताओ तो की बात बता रहा हूँ मैं, यू कैन ऑलवेज कमेंट डाउन बिलो और मैं तुम्हें बता दूंगा। बड़ा सॉफ्ट म्यूजिक है, बड़े प्यारी म्यूजिक चाह रही इनकी कसम से। वो फाइटिंग म्यूजिक मुझे पसंद नहीं आया, बाकी बड़े अच्छे म्यूजिक से तेरे रे पार्सर। अब मुझे मेरा पोकी डेक्स बोले तो स्काउटर दे दे, मैंने थोड़ा बहुत खेला हुआ ये। अबे मैंने तेरा काम कर दिया। अरे अभी तो ये रिक्वेस्ट करेगा, यहाँ पे डेस्क पे मेरा इन्वेंशन रखा है था स्काउटर, जो कि हर फाइटर का डेटा रिकॉर्ड कर लेता है अपने यहाँ पे। ये एक बहुत ज़्यादा हाईटेक एनसाइक्लोपीडिया है। तो यार रचित और वर्ल्ड सील लो, तुम ये दोनों चीज़ें ले लो। हमें मिल गया डॉक्टर ब्रीफ की तरफ से। हाँ तो ये कह रहा है कि तुम खाली उन्हें देख के नहीं, उन्हें देख के उनका डेटा नहीं ले सकते, तुम्हें उनको पकड़ना पड़ेगा कंप्लीट करने का डेटा। ये लो थोड़े से कैप्सूल्स, इसमें बहुत कुछ कैप्सूल्स है, प्रीटी नाइस। जब ये फाइटर आते हैं तो इट्स अ फेयर गेम, जस्ट थ्रो अ कैप्सूल एट हिम एंड ट्राई टू कैच, फेंक दो एक पोकेबॉल और पकड़ लो एज यूजुअल। ये हमेशा काम नहीं करने वाला। तो अगर कोई ताकतवर बंदा आ गया तो तुम्हें या तो लकी होना पड़ेगा या उसको मार मार के ऐसे से नहीं। पता है दैट वाज माय ड्रीम, पता है बुढ़े तेरा सपना था, पर अब तू बहुत ज़्यादा बुढ़े हो चुके हो अंकल, अब कैन आई गो प्लीज, मेरे भी सपने हैं। हाँ जा रहा हूँ, जाने देगा बी ब्रेव। ठीक है दादाजी, मेरे पे छोड़ दीजिए सब कुछ। रचित मुझे बुरा लग रहा है कहते हुए, बट तुम जरूरी नहीं हो, तुम्हें ये काम करनी जरूरी है। आई नो आई विल बोर वर्क डाउन द फ्रॉम दिस, आई लेट हर नो नॉट टू लैंड यू वन रचित, हा हा डोंट बॉदर कमिंग अराउंड टू माय प्लेस आफ्टर दिस। साले बदतमीज, बेशरम करके मैं तो जाऊंगा और लूंगा दूसरा राउंड अब तेरी भाई से, क्या कर लेगा तू बेशरम वॉल्ट सी, बेशरम वॉल्ट सी, दे दे यार। बोले मेरा दादा आलसी है। नाइस डेजी नाइस, झंड हो गई, झंड हो गई, क्या नाम है, वर्ल्ड सी की झंड हो गई थे अपने, वर्ल्ड सी की झंड। तो चलो अब अपना सफर ऑफिशियली शुरू होने वाला है। और अपन पहुंच गए हैं सही सलामत, बाकी मेरा कोई इरादा नहीं है सही सलामत पहुंचने का। अब मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करने वाला हूँ, वो भाई फ्रेम बहुत ज़्यादा स्किप हो रहा है, तो फास्ट फॉरवर्ड छोड़ो यार, ऐसी ट्रेनिंग करनी होगी तो क्या। बस सेवन सेवन का ही कर लिया है, ज़्यादा क्या ट्रेन छोड़, बस अपना एक प्यारा सा कोई फाइटर मिल जाए ताकतवर सा। बोले तुम्हें थोड़ी स्नीजिंग और इसकी आवाज़ आती रहेगी, सॉरी कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, बट कोल्ड है यार क्या करें। और ये वीडियो बनाना ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा ही टाइम हो चुका है वीडियो डाले, तो इट्स इम्पोर्टेंट। झंडे कर दिया मैं तो प्यार से गा रहा था। तो हमें पोकेमोन पोकी मार्ट में तो कोई काम है नहीं और पोकी सेंटर में भी नहीं है, हिल सेंटर कर दिया इसको HRHC, यहाँ पे कुछ मिलता नहीं हमें, मुझे याद है। हाँ मुझे एक चीज़ पता है कहाँ पे जो हमें मिलती है, ये देखो ये बड़ा लैगी लैगी चल रहा है, बट इट्स अ फार फॉरवर्ड मोड। ओनीगिरी मिल गया हमें एक और, तो हमारे पास अभी टोटल में 3 पोशन है। तो अब अपना ब्रू 22 पे जाते हैं सीधा ही। अब देखते हैं यहाँ पे क्या फाइटर्स मिल रहे हैं हमें। यामचा लेवल 4 यामचा, यामचा को एक साइड पे मैंने मार दिया था बड़ी गलती तरीके से। यामचा ड्रैगन बॉल में काफी ओपी समझता था अपना को, पर इन ड्रैगन बॉल सुपर पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं इस दुनिया को तेरी, निकल। फिर से आ गया, शर्म नहीं आती तेरे को, डोंट हैव एनी शर्म धर्म नथिंग, बाय
बार बार आए जा रहे यार बेशरम कहीं का। सॉरी फॉर दैट। कुछ और मिल जाओ यार। अब फिर आ गए बेशरम, बस कर यार थोड़ी तो शर्म रख ले। दो बार मार के पहली फुर्सत में भगा दिया मैंने तेरे को, मेरी नहीं तो अपनी शर्म रख ले। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज होती है भाई, होनी चाहिए, अच्छी बात है। फिर पिट गया, फिर से नहीं आना चाहिए, कसम से बता रहा हूँ। सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है इसमें। अरे वाकई आई कैन रश, ये पक्का ये फाइटिंग वो होगा, फाइटिंग वो। अरे लेट्स सी, सीरियसली हैंड्स प्रूव यहाँ मचा है, नो सेल्फ रिस्पेक्ट, प्लीज फ्रीकिन। निकाल ही भी नहीं दे सकते यार, अबे थोड़ी तो इज्जत रख ले अपनी, मेरी तो नहीं करता। चल ठीक है भाड़ में जा, तेरी जिसे से इज्जत चाहिए भी नहीं, अपनी तो रख ले। ओके कम ऑन, अच्छा चलो क्रिलिन मुझे काफी अच्छा लगता है, गोगो का राइवल था, इसको तो ना छोड़ दूंगा मैं। ओ क्रिलिन धन्यवाद, क्लाटे चो पाते प्रीटी नाइस कैप्सूल्स को। तो आज के एपिसोड में हमने पकड़ा एक क्रिलिन को और अपने पास मिला है आज गोकू। बाकी आज के एपिसोड कितना लंबा हो गया यार, ज्यादा नहीं हुआ, जॉइंट करती जॉइंट करी। अच्छा क्रिलिन वाज कॉट, पकड़ लिया हमने क्रिलिन को। क्रिलिन का डेटा भी एंटर हो चुका है। नहीं भाई क्रिलिन यू कैन स्टे हैप्पी। अब अपन ट्रेनिंग तो इसकी तो हमने 8 लेवल पहुंचा दिया, इसको एक अटैक भी आ गया अपने गोकू को। तो थोड़ा म्यूजिक गंदा हो सकता है इसकी वजह से, मुझे पता है, पर यार ये जरूरी है सेंटर जाने के लिए, क्योंकि अभी हमारे पास रनिंग शूज नहीं आया तो गेम काफ़ी स्लो है। तो मैं बीच बीच में थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता रहूँगा और ट्रेनिंग के वक्त मोस्ट ऑफ द टाइम फास्ट फॉरवर्ड ही रहेगा। लेट्स जस्ट चेक द फाइटर्स वी हैव, नो स्काउटर फाइटर्स, हमने 6 फाइटर्स देख लिए। ओके प्रीटी गुड, लेट्स गो फॉर द समरी बाय वे। गोकू हैशटैग 1 लेक्स नेचर, मतलब कौन से स्टैट्स बेकार होंगे। ओके अटैक इसके पास काफी अच्छे हैं, बाकी अटैक्स की पावर्स भी देख लेते हैं। प्रीटी गुड, लेट्स गो फॉर क्रिलिन, ही हैज ओनली कराटे चॉप। वो मैन सिर्फ कराटे चॉप है तेरे पास क्रिलिन। चल तू लेवल 3 का भाई, लेवल 5 का मैं तुम्हें इसको लेवल 5 का ही करके मिलूंगा, क्योंकि ट्रेनिंग दिखाने लगा तो बहुत ज़्यादा ही टाइम वेस्ट हो जाएगा, कसम से बता रहा हूँ। मैं तुम्हें इसको लेवल 5 का करके मिलूंगा। सो गाइस हमारा फाइनली अब क्रिलिन काफ़ी लेवल अप कर दिया मैंने, मतलब 5 को तो मैंने सेंड कर दिया, और साथ ही साथ अपना गोकू भी 9 पे हो गया 8 से। तो नाउ वी आर रेडी फॉर द ट्राइवल बैटल, आर वेरी फर्स्ट ट्राइवल बैटल, पर उससे पहले एक बार मैं यहाँ सेव करना प्रेफर करूँगा। और आज का एपिसोड यस क्या बोले, वुड लाइक टू सेव वार्निंग, देयर इज अ डिफरेंट फाइल दैट इज ऑलरेडी सेव्ड, इफ यू से नाउ द अदर फाइल्स एडवेंचर इंक्लूडिंग आउट ऑफ द फटर। अरे यार ये क्या है, नो नहीं ना, हाँ यस अबे यार कम ऑन, चलो ये सब मैं बाद में मैनेज कर दूंगा, आई सेव इट समहाउ। पता नहीं क्या एरर आ रहा है दीपू करीब सा, पर चलो पहले हम आज फाइटर अपना क्या कह रहे हो फाइट कर लेते हैं, पहले हमारी पहल नहीं दूसरी टाइगर बैटल। हे रचित, तो तुम भी ड्रैगन लीग को चैलेंज करने वाले हो, भूल जाओ, तुम्हें तुम्हारा बैचेस भी नहीं होंगे अभी तक तो कोई भी, तो नहीं है तो, और वो गार्ड्स तुम्हें बिना उनके जाने भी नहीं देंगे। पर वैसे तो मैं बता दूँ, पर वैसे क्या तुम्हारे फाइटर थोड़े भी स्ट्रॉन्ग हुए हैं? हाँ भाई बहुत स्ट्रॉन्ग हुए हैं, हाँ बियर थीफ, हाँ बियर थीफ ये मुझे मार सकते शायद, बाकी मेरा क्रिलिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया, इतना भी नहीं हुआ के नो प्रॉब्लम। ड्रंकन फीस्ट में इसलिए नहीं यूज़ करता क्योंकि वो
उसका डैमेज कम है पर वो पहले मारता है तो मेरी पहले ही स्पीड ज्यादा है तो मुझे कुछ नहीं फिस्ट। कम ऑन, जिंदा रह ले, जिंदा रह ले। कोई नहीं, जो इसका काम तो इसे फुलफिल कर दिया। कोको अब इसको वन पंच कर सकता है, खत्म। वेजिटा को मैं काइकन रश कर सकता हूँ, आई थिंक सो। मैं लेवल 10 हूँ, आई एम द वन एट द एडवांटेज वेजिटा। काइकन रश बिश्के, हेल या आई न्यू इट, गो टू हेल। वन मोर काइकन एंड रश एंड यू आर गोना फ्रीकिंग गो टू हेल। बाय बाय वेजिटा, सॉरी वेजिटा, आई नो यू आर द फ्रीकिंग प्रिंस ऑफ द सेंस बट आई एम द फ्रीकिंग गॉड ऑफ द सेंस, सो गो टू हेल यू फ्रीक। मैंने सुना कि ड्रैगन लीग है जो भरी हुई है टफ ट्रेनर से, मुझे तो जैसे तैसे बस उनसे आगे जाने का तरीका ढूंढना है। तुझे तो यार यहाँ पे हारना बंद कर देना चाहिए और आगे बढ़। एक्सक्यूज मी, यू आर द वन हु लूज हु लॉस्ट द बैटल, सो शट द हेल अप प्लीज। आई डोंट वांट एनी एडवाइस फ्रॉम सम लाइक्स ऑफ यू। आया बड़ा मेरे को बोलेगा डॉल्डिंग अराउंड मत कर, मैं तो करूंगा, क्या कर लेगा, तू हार है और मैं जीता हूँ। तो गाइज आज के एपिसोड में हमने क्या किया, आज के एपिसोड में हमने अपना स्टार्टर चुना गोकू को, उसको थोड़ा लेवल अप किया। बाकी मैं बाहर आ क्यों था यार, ये हीलिंग सेंटर में फील नहीं आती यार। तो यार तो गाइज आज के एपिसोड में हमने क्रिलिन को पकड़ा, अपने राइवल के बियर थीफ और उसके वेजिटा को दो बार बियर थीफ को एक बार हराया, यानी दो बार राइवल बैटल्स करी, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करी, वो मैंने तुम्हें दिखाई नहीं ऑब्वियसली लॉल। और हम आरू विलेज पहुंचे अपनी जगह से जहाँ पे भी हम थे। बाकी हमारे गोकू को हमने लेवल 10 का करा, बाकी पता नहीं हमें ज़्यादा नहीं दे सकते यार, बोलने में मज़ा नहीं आ रहा। थोड़ी देर और रिकॉर्ड कर लीजिए, क्या कहते हो, नया लंबा हो जाएगा। बाकी हम थोड़ा और मैं तुझे डिटेलिंग दूंगा भाई, मैं अच्छे से माउंट पाउसू से हम आरू विलेज पहुंचे। कल के एपिसोड में हम नॉर्थ फॉरेस्ट जाएंगे, फिर आरएस केव नहीं जाएंगे हम, फिर से अनरियल पहुंचेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाकी आज के एपिसोड में इतना ही। परंतु जाने से पहले एक लाइक ठोक देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर अभी तक नहीं किया, वीडियो शेयर करना मत भूलना, और कमेंट में जरूर बताना तुम्हें इसका ट्यूटोरियल चाहिए कि नहीं, डाउनलोड कैसे करते हैं। बाकी अगले एपिसोड मिलते हैं, बाय।